गाइस एंड वेलकम बैक. और Phnom Penh में आज मेरा लास्ट डे है. चेकआउट मैंने कर लिया हॉस्टल से. $15 इसका रेंट था 3 रात का, जो उसके चार्जेस थे. तो मोटा मोटा अगर मैं लगाऊँ तो 1200 रुपये था. 350-400 रुपये मैंने एक रात के पे किए थे. यहाँ पे पार्टी हॉस्टल था. दो बिल्डिंग्स थी इनकी, एक रिसेप्शन वाली बिल्डिंग थी और एक थी बिल्डिंग इसके सामने वाली जिसमें मैंने स्टे किया था. 4th फ्लोर पर था. हॉस्टल अच्छा था लेकिन डिपेंड करता है. हॉस्टल सारे बढ़िया होते हैं लेकिन मैंने क्या फील किया कि पार्टी हॉस्टल सा मेरे लिए है नहीं, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा इतना होता है. अपने लोगों से बात नहीं कर पाते हो क्योंकि लाउड म्यूज़िक इतना होता है. सब हर कोई ड्रंक होता है, बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो खैर जो भी है डिपेंड करता है आपको कहाँ पे आपको पसंद है. ज़्यादातर हॉस्टल 300-400-200 रुपये में भी आपको मिल जाएंगे. आज तारीख है 23rd फेब और आज है मेरा लास्ट डे Phnom Penh में. 6 बजे की मेरी फ्लाइट है. अभी मैं जा रहा हूँ किलिंग फील्ड्स और S21, जो कि सबसे हॉरिफिक इवेंट रहा है कंबोडिया की हिस्ट्री में. पोल पोट में जो किया था, पोल पोट 1975 to 1979. और टुक टुक में से $20 मांग रहा था. हॉस्टल में ग्रुप से अगर मैं जाता तो $15 थे लेकिन $10 मैंने पे किए थे यहाँ पे इनसे. और ये मेरे को किलिंग फील्ड्स लेके जाएंगे, उसके बाद मेरे को लेके जाएंगे S21 PRISON वापस हॉस्टल. वहाँ से मैं अपना बैग पिक करूँगा, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा एयरपोर्ट. तो $15 में मैंने इनसे डन करा. और एक चीज़ और, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आज के ब्लॉग में ना मेरे को मज़ा नहीं आएगा और आपको भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जिस जगह जा रहे हैं ना हम लोग. मैंने काफ़ी रूममेट से हॉस्टल में बात की तो उन्होंने भी बताया कि भाई एक जगह चले जाओ, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है वो जगह, किलिंग फील्ड्स और S21. एक जगह जाओगे रोना निकल जाएगा. तो मेरे को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है वहाँ पर जाके क्या रिएक्शन आएगा मेरा, क्या नहीं आएगा, कुछ नहीं कह सकता. और मज़ा नहीं आएगा आज वीडियो बनाने में. हेलो, इज कैमरा अलाउड इनसाइड? ओके इंग्लिश. ओके सो जस्ट क्लोज द नंबर व्हेन यू सी वन. ओके एंड विद दिस इज द जैक. यस. ओके परफेक्ट, थैंक यू. $6 की इनकी टिकट है, $6 की इस तरह की टिकट दी है उन्होंने मेरे को, जिसके अंदर हेडफोन्स और फ़ोन ये इस तरीके का इंक्लूड है. तो काउंटर्स नंबर यहाँ पे है इस तरह से. अब जैसे ये जो पॉइंट्स पे अगर जाओगे 1, 2, 3, 4 करके आपके यहाँ पे ना बोर्ड्स लगे होंगे, इसके अंदर नंबर है. तो जहाँ पे जाओगे नंबर प्रेस करो, प्ले बटन दबाओ और ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा. तो 20-30 लोगों को हर दूसरे हफ्ते, हर तीसरे हफ्ते, महीने में लाया जाता था. और जो आपने अभी स्कल्स देखे वहाँ पे उनके एविडेंस है कि उनको गोलियों से बिल्कुल क्लीन शॉट हेड पे मारते थे, रॉड से उनको मारते थे. 1975 to 1979 ने चला. तो 1979 तक आते आते हर दिन ट्रक्स आ रहे हैं, 20-30 लोगों को मारा जा रहा है डेली. ये अब 4 साल चला ये पूरा. दिस इज़ अ डार्क एंड ग्लूमी डिटेंशन. तो यहाँ पे क्या होता था कि जब ज़्यादा लोग हो जाते थे यहाँ पे, इन्होंने एक हट टाइप से बनाया था अगर आप यहाँ पे देखो, तो उनको एक रात रखा जाता था. डबल काफ़ी थिकनेस के उसमें दीवार में, और हवा वगैरह कुछ नहीं आती थी. और अगले दिन उनको मारा जाता था जब इतने ज़्यादा लोग हो जाते थे कि मारने के लिए लोग नहीं गए. मैं स्क्रीन शॉट डाल दूँगा उसका, आप पढ़ना, प्लीज़ पढ़ना. उसको ये मत सोचना कि यार बस स्किप कर दूँ इसको, एक बार उसको पढ़ना कि कंबोडिया में हुआ क्या है, पोल पोट ने क्या किया है, खमा रूच के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं 4 सालों में. और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वी लॉग रहेगा. पार्टीज़ वगैरह सब ठीक है, सब अपनी जगह है, इन्जॉयमेंट अपनी जगह है, लेकिन कंबोडिया की हिस्ट्री के बारे में जानो कि करा क्या पोल पोट ने. हिटलर के बारे में सबको पता है लेकिन पोल पोट के बारे में कोई नहीं जानता. तो अपना टाइम दो, हो सकता है वीडियो लंबा हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है.
पूरे 24 घंटे में से अगर 15 मिनट निकाल के अगर इस वीडियो को देखो, आपने देखा होगा मैं बोलता नहीं हूँ कि मेरे साथ वीडियो में बने रहो या आखिरी तक देखो, मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है देखो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो आखिरी तक देखो और ईयरफोन लगा के देखना, वैसे मत देखना, अकेले बैठ के देखना, साथ में मत बैठ के देखना। तो नंबर 4 पे जो आपने देखा वो एक्सीक्यूशनर का ऑफिस हुआ करता था वहाँ पे। जो भी यार ट्रक्स वगैरह आते थे उनका पूरा रिकॉर्ड रहता था कि कितने प्रिजनर्स आए हैं और कितने को खां पे डाला है, कितनों को खां पे डाला है। और किलिंग्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो कंबोडिया के अंदर जो पोल पोट था उसने अपने ही लोगों को, कंबोडियंस को, जो भी फॉरेन लैंग्वेज स्पीक करता था, जो उनकी बात नहीं मानता था, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो लोग चश्मा पहनते थे, उसने उन सब लोगों को मारा जो उसके नहीं सुनते थे। बेसिकली किसी को नहीं छोड़ा उसने। 4 साल के अंदर करीब करीब 1/3 पॉपुलेशन कंबोडिया की ख़त्म कर दी थी। आई थिंक 20 या 25 मिलियन लोगों को उसने 4 साल के अंदर ख़त्म किया। और ये जो 6 नंबर पे आपने देखा, इसके अंदर ही क्या करते थे, जिंदा लोगों को दफना के उसके अंदर DDT केमिकल डालते थे ताकि वो उसी टाइम उस मर जाए वो। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो मेरे पीछे, इसकी आपको दिख रही होंगी जो उसके ब्रांचेस वगैरह बहुत ज़्यादा शार्प है। तो गोलियों के पैसे बचाने के लिए इसका यूज़ करते थे, इससे गला काटते थे ताकि जो उनका प्रिजनर है चिल्ला ना पाए, कुछ बोल ना पाए। साढ़े 400 लोगों को इसने दफनाया था। अभी मेरे को जितना भी डर लग रहा है या फिर जितना मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंसान इतना गिर सकता है, उन लोगों का सोचो जिन्होंने इसको सबसे पहले ढूंढा होगा। क्योंकि ये सब जो काम हुए ये आउटर में हुए, कंबोडिया के पैनो पेन के आउटर में हुए, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ पाया कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उसका रिजीम ख़त्म हुआ पोल पोट का, जब सोचो 4 लोग जब आए होंगे, 10 लोग उन्होंने ढूंढा होगा, जो लाशें मिली होंगी उनको 450 लाशें, उनकी क्या हाल हुआ होगा। 166 लोगों को यहाँ पे इस वाले ग्रेव में, जो कि खमारू सोल्जर्स थे, कंबोडिया के जो सोल्जर्स थे यूनिफॉर्म में, उन लोगों को इसने बिना सर के दफनाया यहाँ पे, जस्ट बिकॉज वो आर्मी में थे। जो पोल पोट था, एक कम्युनिस्ट था, उसकी अपनी एक अलग पार्टी थी खमार रूच करके, जो उसकी बात नहीं मानता था, उसको ट्रेडर बोल के उसका गला काट के उसको यहाँ पे दफना दिया करता था। उस वाले ग्रेव के अंदर 450 लाशें मिली है। वाला जो पेड़ है यहाँ पे 5 महीने 6 महीने के बच्चों को लाके टांग पड़ के उनको स्मैश करते थे सर से। तो जो बंदा था जिसको ये जगह मिली, वो खाना ढूंढने आया था यहाँ पे, तो जब उसने देखा कि यहाँ पे कुछ इस तरह के ब्रेन्स वगैरह खुला सर पड़ा है इस तरीके के, उसको लगा बस यही सब होगा। लेकिन जब उसने बाद में ढूंढना और शुरू किया तब उसको लाशें वगैरह मिलना शुरू हुई। और अब सवाल आता है कि बच्चों को क्यों मारा। पहली चीज़ आसान था बच्चों को मारना, उनकी मदर के सामने भी उनको आने नहीं दिया, मतलब मदर से मिलने भी नहीं दिया, उनको ला के यहाँ पे मार देते थे। दूसरा, ताकि फैमिली के जब किसी एक बंदे को मारते थे तो बाकी लोगों को भी मारना ज़रूरी होता था ताकि रिवेंज ना ले सके कोई उनकी फैमिली से बाद में इन फ्यूचर। तीसरा, जो पोल पोट कहता था कि घास हटाने के लिए उसकी जड़ को भी हटाना बहुत ज़रूरी है। ये जो पेड़ पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता था, रात के टाइम पे लाउड स्पीकर लगाए जाते थे और रेवोल्यूशनरी म्यूज़िक चलाया जाता था ताकि जो बाहर के लोग हैं उनको ये लगे कि कुछ मीटिंग हो रही है, पॉलिटिकल मीटिंग है। लेकिन उस म्यूज़िक की आड़ में ये लोग यहाँ पे इन लोगों को मारते थे कुल्हाड़ी से ताकि उनकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक ना जाए, क्योंकि इतने सारे लोग होते थे जब वो चिल्लाते थे।
तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी. अभी म्यूज़िक सुना मैंने इस पर हेडफोन के अंदर और हिल गया मैं. हो सकता है शायद म्यूज़िक डाल दूँ यूट्यूब से कहीं से ढूंढ के. आप सुनना एक बार, आप दहल जाओगे, बिलीव मी. दिस इज़ द जूनिसाइडल सेंटर. अभी बाहर आ गई हूँ मैं यहाँ से. और सबसे मज़े की बात बताऊँ, ये कंबोडिया पहले फ्रेंच कॉलोनी था, उसके बाद सिविल वार रही, उसके बाद आया पोलपोट जिसने सबका बेड़ा गर्क किया. और सबसे मज़े की बात है कि ये पोलपोट जो था खुद एक कंबोडियन था, ये कहीं बाहर का बंदा नहीं था जो कि देश में आया, कचरा फैलाया, सबको मारा पीटा. पोलपोट खुद कंबोडियन था. टू मिलियन लोगों को इसने पिछले 4 साल के अंदर ख़त्म कर डाला. पता नहीं क्या क्या किया इसने. इसको जो मिलता था, डंडा होता था, कील होती थी क्योंकि पैसे बचाने बुलेट्स के. फाक यार, फाक. सो आई वुड सजेस्ट कि कंबोडिया में अगर कभी भी आ रहे हो पैन ओपन तो यार पता होनी चाहिए. मतलब हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग कोई कंट्री घूमने चले जाते हैं, वहाँ की हिस्ट्री पता नहीं करते कि वहाँ पे हुआ क्या. यहाँ पे किलिंग फील्ड्स थी, ये बिल्कुल आउटर में. आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 15-20 किलोमीटर दूर है ये पैनम पेन से. और S21 इनका डिटेंशन सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे कैदियों को, कैदियों क्या कहूँगा, जहाँ पे बेचारे मासूम लोगों को रखा जाता था, उन लोगों को ये लोग रखते थे वहाँ पे, टॉर्चर करते थे. हमें लगता था कि हिंदुस्तान के साथ ही बुरा हुआ है, लेकिन जब आप बाहर निकल के देखो ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि और भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ उससे भी ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें हुई है. नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन आई फील कि कंबोडिया ने जो झेला है उससे आज तक अभी तक उभर के आ नहीं पाया है. कि जिस वजह से मैं काफ़ी लोगों से मिला, वो सब यही कहते हैं कि यहाँ पे इतना करप्शन है, उतना रोना रोते हैं, उसके पीछे हकीकत है. मतलब इस तरह नहीं है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, फैक्ट है. मतलब आप आओ तो देखो यहाँ पे.